हाँ जी, राम राम, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। कौन आ रहा है? राहुल है। तो आज पता है इतना ज्यादा तूफान, तुसे गए थे? एक मिनट, सॉरी, मैं आपसे ही बात कर लेती हूँ पहले। आज इतना ज्यादा तूफान था, इतना ज्यादा रात को, कि आप पूछो मत, डर गए थे हम लोग। लाइट भी चली गई थी, फोन में चार्जिंग भी नहीं थी। तो मैं सोच रही थी कि कैसे जो है वीडियो वो करेंगे, बनाएंगे। अभी 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 आई है लाइट, अभी मैं फ़ोन लगा दूंगी चार्जिंग को, थोड़ा थोड़ा शूट करके। किसी भी फ़ोन में चार्जिंग नहीं थी। बहुत भयंकर वाला तूफान। नुकसान का तो अभी पता नहीं, अभी सुबह ही है, मैं पार गई थी काऊ शेड में, वहाँ तो कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। और यहाँ पे मतलब जो भी लैंटर के ऊपर था सभी, अरे पर हमने तो शाम को उठा दिया था वैसे पहले ही। और अभी सुबह के बज रहे हैं, एक सेकेंड, 8:03 हो गए। और आज शायद शायद बोल रही हूँ, मैं पक्का नहीं बोल रही हूँ, शायद आज फाइनल है, लास्ट है काम, अगर हो गया तो शायद। और आज हमारे घर में देखो कौन है, मैं दिखाती हूँ आपको। हमारे घर में गेस्ट आया हुआ है एक और मैंने ये देखो यहाँ पे, ये लौकी है, मैं बनाऊंगी लौकी और दलुआ की सब्जी। प्याज भी मैंने कट करा है, तो कैसे मैं बनाती हूँ मैं आपको दिखाऊंगी। और लौकी और दलुआ है, और देखते हैं और क्या बनाएंगे। तो चलो, ये राहुल, राहुल हेलो करो। हेलो, कैसे हैं आप? बढ़िया है। तो ये राहुल है, हमारे काम करता है, और जो मतलब पावर बेल्डिंग वाले भैया नहीं, उनके साथ काम सीख रहा है। तो इसको मैंने आज बोला कि तू यहीं रह जा, हमारे घर में रुक जा, और आज शायद खत्म हो ही जाएगा मेरे ख्याल से। इसको मैंने पहले भी दिखाया था आप लोगों को, तो गुगू। और हमने यहाँ पे जलाई हुई है आग, और यहाँ पे सब्जी वगैरह सारी कट करी हुई है। ये देखिए, अभी दिखाती हूँ इसको हम बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे वो भी बताती हूँ। तो ये है बंद गोभी और चने की दाल, और लौकी मैंने डाल दी है उबलने कुकर में उधर गैस पे। और यह है बंद गोभी, इसके बनाऊंगी मैं परांठे। तो देखिए मैं किस तरह से बनाती हूँ। पहले तो मैंने यहाँ पे अदरक ले लिया है, और इसको इसको मैं चॉप करूंगी, थोड़ा सा इसमें प्याज डालूंगी, ये मैंने प्याज एक छील लिया है, तो इसको भी मैं इसमें चॉपर में जो है चॉप कर लूंगी, दो तीन चीजें, ज्यादा नहीं। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये मैं मसाला मैंने कर दिया है चॉप इसमें। अभी मैं गोभी इसमें करूंगी, इसको धोने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें मसाला ही है, इसको क्योंकि ये मोटी मोटी है ना। और सबसे बड़ी बात, शाम को मैं बहुत थकी थी, और ये जो है शानू ने बनाई थी, कट भी इसने करी थी, मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो बच्चे इतना भी कर देना, स्वाद को नहीं रोना चाहिए, ये है कि हमारी हेल्प कर दे, वो भी बहुत हो जाती है, क्यों राहुल? हाँ, तो शानू अभी तो फोन पकड़ेगा, अब शानू को पकड़ाऊंगी मैं कैमरा, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम कैसे इसके परांठे बनाएंगे और इसमें क्या क्या डालेंगे, ठीक है? तो इसको अभी कर देते हैं बंद, और इसको कर लेते हैं हम चॉप। तो देखिए, अभी हमने यहाँ पे ये कर लिया है तैयार, और अभी इसमें ना मैंने कुछ नहीं डाला है, क्योंकि अगर हम इसमें नमक डालते तो ये पानी छोड़ता और फिर ये अच्छे से पराठा नहीं बनता। तो पहले मैं आटा लगा रही हूँ, ठीक है? हमारे बोलते हैं, अपनी भाषा में बोले तो आटा बांट रही हूँ, आटा लग भी बांट रहे। तो इसको मैं ये कर लूंगी, और फिर इसके बाद जो है आपको ये दिखाती हूँ कि इसमें हमें क्या क्या डालना, ठीक है? तो मैं बांट लेती हूँ। ये देखिए, ये भी थी हमारी गोभी, सबके लिए ब्रेकफास्ट इसका ही हो जाएगा। आटा मैंने हाथ नहीं धोए क्योंकि आटा अभी अभी लगा के हटी हूँ, और आटे वाले हाथ है तो धोना जरूरी नहीं है, और बार बार मैं उठ भी नहीं सकती यहाँ से, ठीक है? ये हो गया हमारा इधर धोने को, और अभी इसमें नमक जो है, ये है MTH का गरम मसाला, क्योंकि अभी मैं और कुछ भी नहीं इसमें डालने वाली हूँ, ये हमने डाल दिया। और ये है चरण कलर, हम चूर पाउडर दो, और ये मैंने थोड़ा सा डाला इसमें नमक, क्योंकि इसमें नमक ना कम था, और शानू ने बनाई थी जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। और अभी जो है रिकॉर्ड भी, यानी कि वीडियो भी शूट जो है शानू ही कर रहा है, और आज धनिया नहीं आया हरा, कोई बात नहीं, तो हम चला लेंगे काम इससे ही, लहसुन के पत्ते। और इसमें आप कुछ और भी ऐड कर सकते हो, इसमें आप चाहे कुछ और भी ऐड कर सकते हो, लहसुन भी, और मैं लहसुन छीला नहीं क्योंकि सभी को बहुत लेट हो रहा है, और इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी बनाने की उसमें हूँ।
लेकिन फिर भी दिखते काफी ज्यादा अच्छे बन सकते हैं, अभी बनने के बाद ही पता लगेगा। स्टार्ट। और ये देखिए अभी हमने आटा ज्यादा जैसा लगाया, क्योंकि मोटे मोटे जो क्रांचे होते हैं ना वो टेस्टी होते हैं। आरी तो सभी को अच्छी लगा रही, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे हमारे जो बाहर रहते हैं दुकानों का खाते हैं मैगी और चौमिन ऐसे खा के जो ये करते हैं, तो बेटा बिल्कुल इजी होता है। मुझे कमेंट करके कि आंटी ये वाली चीज बताना, मैं बताती नहीं थी, मैं सोचती थी कि सबको ही आता है, लेकिन नहीं, बहुत से ऐसे बच्चे हमारे जो बाहर रहते हैं इसको आरी बोलते हैं इस तरह से। और फिर यहाँ से उठाना थोड़ा सा, इसमें जो हमने ये पेस्ट भर देना है, थोड़ा सा ज्यादा भरो, ज्यादा भरेंगे तो ज्यादा टेस्टी रहेगा। और फिर इसको फोल्ड कर देना है इस तरह से, ऐसे फोल्ड करना है कि ये बाहर ना निकले। और फिर दोबारा से इसको फिर से हमने आरी लगानी है इस तरह से, और इस बार बड़े ध्यान से केयरफुली लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये टूटे के चांसेस ज्यादा रहते हैं। क्योंकि कई बार आटा सख्त हो और ये ज्यादा पतला हो गया हो तो टूटता है। आटे की और इस पेस्ट की जो है जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, ठीक मतलब बराबर होनी चाहिए, नरम, अगर ये दोनों नरम है तो नरम ही होना चाहिए, और ये सख्त है तो दोनों पेस्ट भी सख्त होना चाहिए और आटा भी सख्त होना चाहिए, तब तो बाहर नहीं निकलता इसका पेस्ट। बिल्कुल हल्के हाथों से प्रेस कर देना इसको, पकोड़ी पकोड़ी और ऐसे इस तरह से, ठीक है बन गया। अभी मैं दूसरा आपको एक और बना के दिखा देती हूँ। मां दो ही बनाए दो कम से कम, मां बनाने की चिंता नहीं कर। इसमें मैंने ना डाटा लगा दिया था, कैसे लगा था उसे, हां तो सही है, तो बढ़िया नहीं करना था। और ये बन गया है, ये देखो, ये देखो, ये बन गया हमारा गोभी का पराठा जो है बहुत टेस्टी। और इसको दे रही हूं मैं राहुल को, गरम गरम पराठा हमारे मेहमान के लिए। तो अभी आराम खाओ, इसको ना पार काम पे जाना है, भाई आ गए काम पे ना, तो इसको फोन कर रहे हैं, मैं कहा तू खा फटाफट से, और गर्म है अभी, ठंडा गर्म है अभी। और कैसा बना है, खाया तो है नहीं, ठीक है, नमक वगैरह ठीक है, ओके रखा था तो चलो हो गया हमारा ब्रेकफास्ट तैयार। और अभी अभी देखो मौसम कैसा है, अभी धूप आ रही है, ये देखो अभी धूप आ रही है, और सुबह तो ऐसा था, रात को तो ऐसा था कि पता नहीं कितनी की बारिश होगी, जबकि आज भी ना 80% बताई थी या 90% की होगी, और हो जाती तो बहुत अच्छा था, हमें भी ज़रूरत थी बारिश की, लेकिन नहीं हो रही है। चलो कोई बात नहीं, ये सब भगवान के हाथ में है, हम कुछ नहीं कर सकते। अभी मुझे बनाना है लंच, यानी कि ब्रेकफास्ट तो हो गया, अभी खाना बनाना है जो मैंने आपको दिखाया था सुबह, चने की दाल और लौकी की सब्जी एक दिन शेयर कर चुकी हूँ, आज नहीं करूँगी उसको। और आज यानी कि पापा भी घर पे ही हैं, पार थोड़ा सा काम है उसको वो कर रहे हैं, अभी हाथ मेरे कुछ आटे वाले भी हैं क्योंकि मैंने नहीं अभी ब्रेकफास्ट किया है। और जो 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 इधर आ जाओ, छब्बी बोलते हैं भाई, बच्चा कहाँ है, बच्चा कहाँ है भाई, बच्चा कहाँ है, छब्बी बोलते हैं, हेलो कर लो, कर लो हेलो, करने नहीं, हेलो करने नहीं, मेरे बच्चों ने। ये देखो हमारा जोजो, आप देख लो इसको पहले अच्छी तरह से, कहाँ जाएगा, रुक तो, कहाँ जाना। और बस ये घूमता रहता है यहाँ पे,
इसको हमने पहले से बंद कर दिया है ताकि ये बाहर ना निकले, मतलब बाहर ना जाए। और चलो अभी वीडियो कैंड करते हैं, लाइक कर देना वीडियो को अगर अच्छा लगा होगा, और शेयर कर देना जितना हो सके। बस काम शायद बोल रही हूँ मैं, पहले भी बोला था कि शायद आज ख़त्म हो जाए, तो अभी मुझे वीडियो एडिट करनी है और फिर अपलोड करनी है, पता नहीं कितने 11 बजे तक जाएगी या 11:30, मुझे नहीं पता, आज लेट हो गई हूँ मैं ऑलरेडी पहले ही। तो चलो मैं बना लेती हूँ, बाहर का दिखा दिया मैंने आपको, थोड़ा थोड़ा साफ तो नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, अब दिख रहा है, छत से जो व्यू है बहुत अच्छा दिखता है। चलो जय माता दी, मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में शाम के टाइम, हिमाचली ब्लॉगर मधु ठाकुर पे, तब तक के लिए राम राम, जय माता दी।